बारी बारी सोना डाली जा रहा हूँ। डाल दे। हाँ, डालिए। फोटो के लोग खींच रहे हैं चाबी हम लोग अपनी मिल में ताला बंद करके और कार्यालय में सौंप देंगे। सरकार हमारी मिल खुद चलवा ले, क्योंकि हमारी जो मांग है वो सरकार अभी तक पूरी नहीं की है। हम लोग बड़ा पीड़ित हैं। हम लोग कई वर्षों से घाटे पे जो है मिल चला रहे हैं, सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। तो हम लोग मिल को स्ट्राइक पे चल ही रहे हैं, स्ट्राइक पे हम लोग चल रहे हैं। और सरकार अभी तक हम लोग, आज एक खरीद शुरू हो गई 1 नवंबर से, तो सरकार जो है हमारी बातों को नहीं मानी है। तो पूरा प्रदेश एक साथ जो है अपने जिला कार्यालय में चाबियों को सौंप रहा है, मिल ये लोग चलवा लें। जब हमारी मांगे हैं 67% चावल की रिकवरी की जगह वो 60% हो जाए और प्रोत्साहन राशि बढ़ जाए। जब से राइस मिल चालू हुई है, सरकार की नियम जब से नियमावली चालू हुई है कि जॉब वर्क कराने की धान का, तब से 10 रुपए कुटाई इन्होंने शुरू की थी और तब धान का रेट था 165 रुपए के आसपास, आज इन्होंने 1940 रुपया में धान कर दिया और कुटाई आज भी 10 रुपया है। और 10 रुपए के हिसाब से डीजल आज उस समय कितना था और आज क्या भाव हो गया, बिजली क्या भाव थी आज क्या भाव हो गया, मजदूरी क्या भाव थी आज मजदूरी हम लोग क्या भाव दे रहे हैं और कुटाई हमको 10 रुपया मिले गई। ऐसी गुंडागर्दी सरकार करेगी तो हम लोग राइस मिलर को अपने चाबी इनके जिला कार्यालय में RFC साहब के सौंप दे रहे हैं कि आप अपनी मिल हमारी हमसे ले कर चलवा लीजिए। और अगर जो भी बचत आपको दिखे कि अगर मिलर कुछ बचा रहा है तो उस हिसाब से रिकवरी दे करके हमको हमारा धान हमको दिए, हम इनके कार्य में समय सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, नीरज कुमार जायसवाल, कल्याण इंडस्ट्रीज। ये मामला शासन से संबंधित है और इसके संबंध में शासन ही बता पाएगा। हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे शासन को, जो निर्णय होगा वो शासन इनको बता देगा। आज इन लोगों ने क्या किया है? धन्यवाद, इन्होंने चाबी सौंपा है वो हम शासन को रिफर कर देंगे। धन्यवाद। बस।